गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय मुझे लेक्चर देख रहा है। नाउ आपके लिए कुछ खुशखबरी है, मैं लेके आया हूँ क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की क्लासेस। नाउ ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल रहेगी, जिनमें मैं कलरफुल नोट्स, क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीजें मैं अवेलेबल कराऊंगा। नाउ आज का ये जो लेक्चर है वो पूरा डेडिकेटेड है इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। हम आज ये चीजें देखने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस हमारी क्लास में अवेलेबल है और क्या क्या चीजें हमने करनी है, कितने कितने मार्क्स की वो आती है। और सेकेंडली हम ये देखेंगे कि हम जब क्लास में जो चीजें हम करेंगे उनमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या नोट्स पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चंस पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 5-7 मिनट तक, और उसके बाद मैं आपको फर्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वो फर्स्ट लेक्चर भी आज ही देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। नाउ इकोनॉमिक्स का ये जो CBSE का सिलेबस है वो मैंने डाउनलोड किया है, आप अपनी रेस्पेक्टिव बोर्ड का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसमें जो भी एक्स्ट्रा या कम टॉपिक होंगे आप उस हिसाब से मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें कि CBSE का 2021 का जो टॉपिक जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस वो बहुत कम हो गया है पिछले कंपेरिजन टू, अगर हम पिछले जो अटेम्प्ट है उनका अगर हम कंपेरिजन करें तो उन्होंने कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है, कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अब ऐसे में हमारे पास काफी कम सिलेबस है और इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें इकोनॉमिक्स में काफी अच्छा स्कोर कर पाओ। मैं मानता हूँ 90 और 95+ स्कोर आपको करना चाहिए। इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो कॉमर्स के स्टूडेंट के अलावा भी आर्ट्स के स्टूडेंट भी इकोनॉमिक्स को लेते हैं तो उनके लिए भी ये अवेलेबल है। अफकोर्स अगर आपका कोई भी स्टेट अलग बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, तो आप मुझे बता सकते हैं इन टॉपिक्स के अलावा कौन से टॉपिक आपके पास अवेलेबल है, मैं वो टॉपिक भी साथ में ले लूंगा। अदरवाइज कुछ और टॉपिक्स जो मेरे पास है, मेरे पास अवेलेबल है, मैं वो टॉपिक्स भी ले लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो एक जो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें हम स्टैटिक्स सीखते हैं यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यहाँ पे सीखते हैं, जिसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन है, देन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जहाँ हमें ये सीखना है कि वो जो निकालते हैं ना, माध्य निकालना, ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालना सीखेंगे। और उसके अलावा स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमने जो डाटा निकाला है उसका हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाले, ठीक है, तो वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, पहली बुक में। नाउ सेकेंड बुक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। कई सारे स्टेट बोर्ड में मैंने देखा है कि यहाँ पे ये जो बुक लिखी हुई है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बजाय यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम से बुक आती है, ठीक है, वो CBSE में क्लास 12th में है। और सेम बुक कई सारे स्टेट बोर्ड, जैसे मैंने RBSE का देखा है, तो वहाँ पे वो क्लास 11th के अंदर अवेलेबल है, यानी कि जो बुक क्लास 12th में है वो क्लास 11 में है और जो क्लास 11 की बुक है वो क्लास 12 में है, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ है। अलग अलग बोर्ड में हो सकता है कुछ अलग अलग हो, तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि अगर कोई मुझे RBSE का देख रहा है या कोई ऐसी स्टेट बोर्ड का देख रहा है जो कि जिसका ये 12th में है, तो वो यहाँ पे 12th की क्लासेस लेना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जो मेरा पैटर्न रहेगा इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स करके बुक आती है जो कि 12th में है, प्लस एक ये मैंने बताई है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इस तरीके से चार बुक है। मेरा सबसे पहला रहेगा कि मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, देन मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, ताकि अगर किसी के ये क्लास 11th में है तो वो कवर अप हो जाए। उसके बाद मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा एंड देन मैं स्टैटिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है, तो इस तरीके से मेरा काम चलेगा। जब तक अभी तक जो मैंने डिसाइड किया है वो ये है, तो इस तरीके से मैं चलाऊंगा इसको, तो आप कंटिन्यूटी में इस तरीके से क्लासेस ले सकते हैं। तो जो भी 12th क्लास का स्टूडेंट मुझे ये देख रहा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेज ले सकता है अगर उनके सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, एज ए पार्ट है। तो अब इसमें भी चार चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है, उसके अलावा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है, एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। तो ये तीन चार चैप्टर्स है, इसके अलावा भी दो तीन चैप्टर्स और है जो हो सकता है कि आपके स्टेट बोर्ड में हो, तो वो मैं यहाँ कवर करवा दूंगा। आप मुझे बस कमेंट में बता देना कि मैं सर इस बोर्ड से हूँ, और उस बोर्ड का सिलेबस आप देख करके मुझे कंप्लीट करवा देना, तो मैं वो बोर्ड का सिलेबस अवश्य कंप्लीट करूंगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ CBSE को एक माना है, हालांकि मैं CBSE के अलावा NCERT की जो बुक आती है, क्योंकि CBSE भी वही फॉलो करता है, तो NCERT की जो बुक है वो मैं लगभग कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेजर जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, वो NCERT की बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो मैं उसको कंप्लीट करूंगा। अब उसमें से CBSE के ये टॉपिक्स तो कवर हो ही जाएंगे, एक्स्ट्रा दो तीन टॉपिक और कवर हो जाएंगे,
उसके अलावा भी अगर आपका कोई टॉपिक है वो आप मुझे बता देना, क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन है आप समझ सकते हो, एम कॉम हूँ, तो मैं ईच एंड एवरी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है? तो फिक्र मत करिएगा, सारी टॉपिक्स हम अच्छे से देखेंगे। नाउ मार्क्स की अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो अगर देखें तो स्टैटिक्स के इस चैप्टर को है 27 मार्क्स, उसके अलावा 13 के तीन अपने पास चैप्टर है, और एक 10 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसी तरीके से हम वेटेज के अनुसार भी हम थोड़ी बहुत चीज़ें करेंगे, ठीक है? जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, जिसके कम वेटेज है उसको थोड़ा लेस टाइम देंगे, बट ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम क्लासेज में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कलरफुल नोट्स एंड चार्ट्स से, जो कि सेल्फ मैंने खुद ने क्रिएट किए हैं, ठीक है? इनमें से कुछ चार्ट्स मैंने उस समय क्रिएट किए थे कॉपी के अंदर जब मैं पढ़ाई करता था। नाउ अब मैंने उनको मॉडिफाई किया है, उनको अमेंड किया है, और कंप्यूटर पे बैठ के मैंने कलरफुल नोट्स और चार्ट डिजाइन किए हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। मैं जब आप मेरी पहली क्लास देखोगे आपको काफ़ी अच्छे इन चार्ट्स को लगने वाले हैं। उसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में है या फिर आप मुझे जो कमेंट में बताओगे तो मैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेने वाला हूँ। उसके अलावा अगर मुझे लगेगा कोई क्वेश्चन सिंपल है या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे डालना होगा तो मैं वो होमवर्क के अंदर भी डालूंगा, जो कि रेगुलरली मैं एक होमवर्क प्रोवाइड करूंगा, जो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके एक एक्टिविटी हो सकती है, कुछ पढ़ने के लिए मैं बोल सकता हूँ या फिर क्वेश्चंस करने के लिए दे सकता हूँ। इसके अलावा जब हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे कोई भी, तो हम MCQ यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस लेंगे, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चंस हम लेंगे जिसमें एक लाइन के अंदर उसका आंसर आता है, तो वो मैं क्वेश्चंस लूँगा। बट ये सब्जेक्ट टू है, अगर आपके जो मेरे व्यूज है वो कम से कम मुझे 10,000 के करीब चाहिए, और साथ ही साथ 5,000 के करीब मुझे लाइक्स चाहिए। तो अगर इतने लाइक्स और व्यूज आ जाते हैं मुझे किसी वीडियो पे, तभी मैं उन चैप्टर्स के ऊपर MCQ या वन लाइनर क्वेश्चन चलाऊंगा, क्योंकि मुझे ये जो है लाइव चलाना है ताकि इसमें पढ़ाने का मजा आ जाए, ताकि आप आंसर दो और मैं इसको क्वेश्चन को लेता रहूं। उसके अलावा मैं आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये रिविजन का एक पार्ट रहेगा, तो जब मैं रिविजन कराऊंगा तब आपको ये जरूर कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसके अलावा आप मुझे अपने बोर्ड बताते जाइए, अदरवाइज मैं CBSE के और जो थोड़े बहुत स्टेट बोर्ड है जिन्हें टफ माना जाता है एक तरीके से, तो उनमें से कुछ बोर्ड गेम मैं लूँगा, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा नहीं ये कौन सी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, अदरवाइज आप मेरे को बोलोगे सर इसका ले लिया इसका नहीं लिया, तो इसीलिए मैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड के कुछ क्वेश्चन लूँगा जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करूँगा, क्योंकि पास्ट एग्जाम क्वेश्चन होंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे क्विज कॉम्पिटिशन हो गया, या है ना टॉप 100 क्वेश्चन हो गए जो कि मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे, या रिविजन क्लासेज हो जाएगी। इस तरीके से मैं काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो और करा लूँ। तो आज का ये वीडियो इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 1, तो प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा, एज सून एज पॉसिबल मैं उसको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है? तो अभी मैं टाइमिंग मेरी सेट नहीं हुई है, बट जितना ज़्यादा हो सके मैं उसका उतना जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, बट रेगुलरली एक लेक्चर में अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, सो दैट कि आपको रेगुलर लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।